बात करते हैं जबलपुर की, जहां निगमायुक्त के साथ 3 घंटे तक कलेक्टर इलैयाराजा टी ने निरीक्षण किया। फ्लाईओवर में बने हुए गड्ढों को 2 दिन में भरने के निर्देश इस दौरान दिए गए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर इलैयाराजा टी ने निगमायुक्त के साथ 3 घंटे तक मदन महल लिंक रोड से लेकर रानीताल चौक तक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान हुए गड्ढों को 2 दिनों के भीतर भरने के निर्देश दिए, ताकि बारिश होने से नागरिकों को असुविधा न हो सके। निकली गई मिट्टी से चौक नाले नालियों की सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने जगह जगह खुदे गड्ढों और फैली मिट्टी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बारिश के दौरान किसी तरह की कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को माना जाएगा। उन्होंने फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए खोदे गए गड्ढों के आसपास बैरिकेड्स लगाने की भी हिदायत दी। फ्लाईओवर निर्माण के कारण गड्ढों को भरने, सड़क पर फैली मिट्टी को हटाने और बंद नाले नालियों को खोलने की दिन प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने रानीताल चौराहे पर गोल बाजार नाले से वर्षा जल की निकासी के लिए भी समुचित प्रबंध करने की हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री SC वर्मा व कार्यपालन यंत्री गोपाल गुप्ता भी मौजूद रहे।